Hello everyone, this is Abhishek Bhardwaj from Achieve IAS. In this video, we are going to discuss a very important topic, revamp of the crop insurance scheme. Basically, इस topic के अंदर दो important schemes हम दो scheme के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी national scheme है और crop insurance से related है. उन दो schemes के features जानेंगे. उसके अलावा what is this issue कि revamp हुई है जो crop insurance की scheme है, क्यों की गई है और what will be its impact. This all we are going to discuss in this video. This video is going to be very important from your plea as well as from your mains perspective. So stay with our video. And I would like to say that those who are our new viewers and subscribers, I would like to tell them that please join our Telegram channel. And on our Telegram channel, you will get a free PDF of this video as well as you will get update from our institution regarding our new test series and programs. And the link of that Telegram channel I will provide in the description box of this video. So let's begin with the video. सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों न्यूज़ में है ये बात. ठीक है, अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने रिवैम्प करने को लेकर अप्रूवल दी है दो योजनाओं में जो कि क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है, इन दोनों में जो है रिवैम्प यानी कि बदलाव लेकर के आई है केंद्र सरकार. और रिवैम्प स्कीम जो है ये इफेक्टिव होगी 2020 के खरीफ सीजन से. ठीक है, 2020 के खरीफ सीजन से ये जो स्कीम है ये रिवैम्प होगी. उसके अलावा की चेंजेस को लेकर के बात करते हैं कि इसके अंदर की चेंजेस क्या किए गए हैं. पहले क्या होता था, जो सब्सिडी होती थी, सब्सिडी पहले 50% दी जाती थी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता था. जो इंश्योरेंस के प्रीमियम में शेयर था वो 50% था, उसको अब 25% कर दिया है इरिगेटेड एरिया में और 30% कर दिया है अन इरिगेटेड एरिया में. ठीक है, उसमें फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स क्या होता था, उन्हें सिर्फ 2% जो सम इंश्योर्ड था उसका देना पड़ता था खरीफ में और 1.5% राबी क्रॉप्स में और 5% आपकी कैश क्रॉप्स में. उसके अलावा जो बाकी बचता था वो सेंटर और स्टेट अपना आधा आधा बांट लिया करते थे. ठीक है, इसको मैं बेसिकली आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी मैथ है इसके अंदर. फॉर एग्जांपल 100 रुपये का प्रीमियम बनता है, 100 रुपये के प्रीमियम में और सपोज आपकी कोई खरीफ क्रॉप का आपको इंश्योरेंस करवाना है, 100 रुपये का प्रीमियम बना तो 100 रुपये में 2% यानी कि 2 रुपये आपके फार्मर ने दे दिए, बाकी बचे 98%. इस 98% का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देती थी. तो 98 में आपके हो गए 49 रुपीज़ आपके केंद्र सरकार ने दे दिए और 49 रुपीज़ आपके राज्य सरकार ने दे दिए. तो ये होता था, लेकिन अब इस 50% को सरकार ने 25% कर दिया इरिगेटेड एरियाज़ में और 30% कर दिया है अन इरिगेटेड एरियाज़ में. तो फार्मर तो वही 2 रुपये देगा, बचे हुए 98 का 25% सपोज इरिगेटेड एरिया है तो 25% केंद्र सरकार दे देगी. ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ एरिया है आप बाकी बचा हुआ जो पैसा होगा आपकी राज्य सरकार देगी, या फिर हो सकता है वो फार्मर्स के ऊपर और प्रेशर डाल दिया जाए. तो इसको लेकर के अभी आगे अस्पष्टता है, काफ़ी सिचुएशन एम्बिगियस है. उसके अलावा बात करते हैं वॉलेंट्री इनरोलमेंट. ठीक है, बेसिकली ये जो स्कीम्स है ये वॉलेंट्री हैं फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स के लिए वॉलेंट्री हैं. उसके अलावा जब फसल बीमा योजना आई 2016 में, तो जितने भी फार्मर्स जो लोन वगैरह लेते हैं उनको मैंडेटरी हो गया था कि वो अपनी जो क्रॉप है उसको इंश्योर करवाएं, उसके ऊपर इंश्योरेंस लें. तो यानी कि जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर अगर आप एक लोनी फार्मर हो तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू गेट योर क्रॉप्स इंश्योर्ड. ठीक है, उसमें आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा. लेकिन जो दूसरी आपकी स्कीम है रीस्ट्रक्चर वाटर वाली, उसके अंदर वॉलेंट्री नहीं है. अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है रिस्क कवर करने की. फ्लेक्सिबिलिटी में बेसिकली उन फैक्टर्स को कवर करना देखा जाता है जिनसे क्रॉप को नुकसान हो जाता है, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अब जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये छूट दे दी है कि आप अपने अनुसार रिस्क फैक्टर इसके अंदर जो है डाल सकते हो. ठीक है, तो पहले क्या होता था बेसिकली कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनको इंक्लूड किया ही किया जाता था और उन फैक्टर्स को केंद्र सरकार जो है डिसाइड करती थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो फैक्टर्स जो है डालना चाहते हो वो डालो, जो नहीं डालना चाहते आप नहीं डालो. तो इससे क्या होगा कि उन फैक्टर्स को डाला जाएगा जिनकी इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि उनसे नुकसान होना ही नहीं है, बहुत कम रिस्क होगा.
तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए ये नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि फार्मर्स के लिए जो स्कीम होगी वो एनकरेजिंग नहीं रहेगी। उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको बहुत हाई कॉस्ट पड़ रही थी, क्योंकि राज्य सरकार का भी इसके अंदर हिस्सा होता है। ठीक है, उसके अलावा कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट जो है अपने प्रीमियम का जो शेयर बनता है, प्रीमियम सब्सिडी का जो शेयर है उसको रिलीज करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस की गई है कि आपको खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च और रबी के लिए 30 सितंबर तक अपनी जो भी आपका हिस्सा है वो आप सब्सिडी का उसको रिलीज करो। अगर उसके बाद आप रिलीज करते हो तो आप जो है स्कीम का हिस्सा नहीं रहोगे और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। डाटा ये दिखाते हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो प्रीमियम का हिस्सा है, जो शेयर है, उसको रिलीज नहीं किया है, जिससे कि जो कंपनसेशन मिलना चाहिए किसी भी किसान को वो टाइम पर नहीं मिल पाता है। उसके अलावा कंपलसरी सर्विंग टाइम पीरियड फॉर इंश्योरेंस फर्म्स, गवर्नमेंट ने ये जो है कंपलसरी कर दिया है कि जो भी राज्य में जो भी इंश्योरेंस फर्म है, क्रॉप इंश्योरेंस फर्म है, वो 3 साल तक ऑपरेट कर सकती हैं। अब तक क्या होता था, टेंडर्स होते थे, टेंडर्स राज्य सरकार देती थी और वो 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए होता था, लेकिन अब कम से कम 3 साल के लिए जो है ऑपरेट करेगा जो भी क्रॉप इंश्योरेंस फर्म होगा। तो ये कुछ कंपलसरी सर्विंग टाइम पीरियड आया है इंश्योरेंस फर्म के लिए काम करने को लेकर के। उसके अलावा अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 2016 में लॉन्च हुई और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये एक ओवरऑल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स की जो इनकम है वो स्टेबलाइज रहती है, अगर उनकी फसल को नुकसान भी हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जिस वजह से उनकी इनकम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके स्कोप की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, जितने भी फूड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, उसके अलावा कैश क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है और जिनका पास्ट का यील्ड डाटा यानी कि पहले कितनी पैदावार हुई है उसका डाटा अवेलेबल है। उसके आगे बात कर लेते हैं, देखो प्रीमियम की, प्रीमियम जैसे मैंने आपको बताया कि 2% खरीफ क्रॉप में फार्मर्स को देना पड़ता है, 1.5% रबी में देना पड़ता है और हॉर्टिकल्चर और कैश क्रॉप्स में 5% देना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा इसको जो क्या नाम है इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका पैनल है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है और जो एजेंसी को जो सिलेक्शन होता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का, उसको जो कंसर्न्ड स्टेट होती है, स्टेट वहाँ की जो राज्य सरकार होती है, वो बिडिंग यानी कि वो टेंडर के द्वारा जो है सेलेक्ट करते हैं कि किस कंपनी को इंश्योरेंस कवर देना है, किसको नहीं देना है। उसके अलावा जो आपकी दूसरी स्कीम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, पहली बात ये दोनों में बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो वाली जो स्कीम है आपकी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके अंदर अगर आपकी क्रॉप को नुकसान हो जाता है तब आपको पैसा मिलता है, और ये वाली जो स्कीम है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, इसको भी 2016 में ही लॉन्च किया था और इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने जो है लॉन्च किया था। उसी के साथ साथ इससे क्या था कि कई बार क्या होता है कुछ एडवर्स वेदर कंडीशंस के कारण, फॉर एग्जांपल रेनफॉल ज़्यादा हो गई या कम हो गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी, विंड, कुछ जो टेम्परेचर या फिर वेदर कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से कई बार किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, नुकसान हो जाता है तो उसके अंदर जो भी क्रॉप लॉस होगा वो इंश्योर्ड हो जाता था। ठीक है, तो जो आपकी ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इसके अंदर वेदर एक पैरामीटर होता है क्रॉप की यील्ड में कंपनसेशन पाने के लिए। ठीक है, तो यही वाली बात थी, ये दोनों स्कीम इसलिए आपस में थोड़ी सी डिफरेंट है और इन दोनों को जो है अभी हाल ही में रिवैम्प किया गया है, तो इसके अंदर हमने दोनों स्कीम्स जानी, दोनों में फ़र्क क्या है वो जाना, और उसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं उनको डिटेल में पढ़ा हमने। मैंने आपको बताया था 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेकर के, तो यही था इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई भी आपके सजेशन है, फीडबैक है, आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे, कमेंट करके हमें बताइए। वैसे तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, उसके अलावा भी अगर कोई सजेशन है आप ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।